नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और झारखंड लोक सेवा आयोग और आईएएस बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भूगोल में। तो भूगोल में आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में इंडियन मानसून। इसमें क्वेश्चन आता है ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून क्या है, भारतीय मानसून के क्रियाविधि को समझाएं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मानसून को बताएं। तो आज इसी मुद्दे पर हम खास तौर पर बात करेंगे। इंडियन मानसून जो है, मानसून जो शब्द है, इसको हिबेलस ने सबसे पहले क्वाइंड किया था और इसका अर्थ होता है कि अलग अलग ऋतु में अपना जो विंड है डायरेक्शन बदल लेता है। मतलब व्हेन विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन डिफरेंट इनटू डिफरेंट सीजन, दैट इज कॉल्ड एज मानसून। इसको अरबियन सी के ऊपर अल मसूदी और अल बिरूनी ने डिफाइन किया था। मानसून आने के कई कारण हैं ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून के, जिसमें अलग अलग लेटेस्ट थ्योरी क्या है ये भी बताएंगे, साइंटिफिक जो जेट स्ट्रीम और एल नीनो से जुड़ा हुआ है वो समझाएंगे आपको। लेकिन बेसिक चीज ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंडमास एंड ओशन, समुद्र और स्थलकर दोनों के बीच में क्या होता कि तापमान में अंतर है, दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जब समर सीजन होता है भारत में, उस समय रिलेटिवली जो लैंड मास से वो ज्यादा गर्म हो जाता है, तो लो प्रेशर वहां शिफ्ट हो जाता है और ओशन की ओर से विंड चलना शुरू हो जाती है, जो भारत की ओर जब आती है तो ह्यूमिडिटी लेकर के आती है, बारिश होती है। बेसिक चीज है। अब इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का शिफ्टिंग जो अगला पॉइंट है, ITCZ। ये ITCZ क्या है कि विषुवत रेखा के पास में, इक्वेटर के पास में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ये दोनों मिक्स होती है। जब भारत की ओर एकदम लो प्रेशर बन जाता है, निम्न दाब के केंद्र जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो निम्न दाब का जो केंद्र बन जाता है, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता होगा? इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध की ओर आ जाती है। अब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब उत्तरी गोलार्ध की ओर आती है, यहाँ पर मैं एक नियम बताएंगे, छोटा सा फेरेल्स का नियम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वह अपने राइट टर्न ले लेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में अपना लेफ्ट टर्न ले लेगी। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जैसे क्रॉस करेगा इक्वेटर को, अपना राइट टर्न ले लेगा, तो वो बन जाएगा साउथ वेस्ट मानसून, जो भारत में आप आमतौर पर जानते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून के आने का क्रम होता है। जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये इसकी दूसरी एक कारण है ओरिजिन होने का, इसको बोला जाता है कि साउदर्न ऑसिलेशन। यहाँ पर हम एल नीनो भी समझाएंगे आपको। साउदर्न ऑसिलेशन क्या होता है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, जिसके चलते जब सन का पोजीशन दक्षिणी गोलार्ध में होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जब उस समय धीरे धीरे जो पानी है पैसिफिक ओशन का वो गर्म होने के बाद इंडियन ओशन की ओर आना शुरू हो जाता है और हिंद महासागर का ठंडा पानी जो है वो प्रशांत महासागर की ओर चला जाता है। ये होने में 6 महीने का वक्त लग जाता है, इसलिए नवंबर दिसंबर के महीने में ही ये माइग्रेशन ऑफ वाटर शुरू हो जाता है, इसको साउदर्न ऑसिलेशन बोला जाता है। पेरू के तट पर एक हम्बोल्ट करंट है जो कोल्ड करंट है, किसी कारण से ये कोल्ड करंट जब माइग्रेट करता है तो पैसिफिक ओशन का जो गर्म पानी है, जो वार्म वाटर है, वो वहीं रह जाता है। और जब वार्म वाटर वहां रह जाता है तो इसी को ज्योग्राफी में एल नीनो कहा जाता है कि एल नीनो अपीयर हो गया है, वो माइग्रेशन नहीं हो रहा है, हम्बोल्ट करंट वहां से शिफ्ट हो जाता है, इसको पेरुवियन करंट भी कहते हैं। और एल नीनो अपीयर होता है, अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। एल नीनो का मतलब द चाइल्ड होता है और डेजर्ट एरिया में पानी बरसना शुरू हो जाता है एक्समस के समय में। इसके बाद लानीना भी एक वर्ड है जिसको सिस्टर ऑफ एल नीनो समझा जाता है। तो जब 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 एल नीनो आएगा भारत में, जो दिक्कत आएगी वो ड्रॉट कंडीशन होगा, चूंकि गर्म पानी इंडियन ओशन का नहीं रहेगा, लानीना के कंडीशन में अच्छा रहेगा, ये निश्चित होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। भारत में मानसून आने के लिए ज्यादा जरूरी होता है कि जेट स्ट्रीम का भारत से माइग्रेट करना। अब आपके दिमाग में आएगा कि जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम
अपर एटमॉस्फेरिक विंड है, ये 10 से 12 किलोमीटर के हाइट पर बहती है जेट स्ट्रीम। तो 10 से 12 किलोमीटर के हाइट पर जो जेट स्ट्रीम बह रही है, हाई वेलोसिटी विंड है। ये विंड ऊपर से नीचे उतरती है, मतलब कहीं पर डिसेंड करती है। इक्वेटोरियल रीजन से जो विंड ऊपर उठती है वो 30-35 डिग्री में सबसाइड करती है, नीचे उतरती है। तो जब कहीं पर विंड नीचे उतर रही है तो वहाँ किसी भी हालत में उस क्षेत्र में क्या होगा कि बारिश होने की थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, आपको समझा देते हैं कि जहां पर भी वार्म विंड होगा जिस रीजन में भी, और किसी स्थान पर कोल्ड विंड होगा। देखिए, वार्म विंड जब जेट स्ट्रीम जहां पर नीचे उतर रहा है तो वहां किसी हवा को अलाउ नहीं करेगा अपर जाने के लिए, और बारिश के लिए हवा का ऊपर जाना जरूरी है। तो जेट स्ट्रीम का भारत से माइग्रेशन जरूरी होता है कि वो चाइना के साइड में चला जाए, ताकि यहाँ पर अपर एटमॉस्फेरिक क्लियरिटी हो और समर सीजन में मॉनसून आ पाए। ये 3-4 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। जो नई थ्योरी आई है इसके मुताबिक, जब सन का पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर होता है, उस समय सारे विंड बेल्ट भी धीरे धीरे नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो नॉर्थ की ओर में विंड बेल्ट धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, ये ITCZ भी उत्तरी भाग में आ जाता है, वो इंडिया के मिडिल पोर्शन पर आ जाता है। तो लो प्रेशर वहां आ गया है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी चाइना के साइड चली जाती है, सारी चीज शिफ्टिंग हो गया। तो वहां से जो हवाएं ऊपर उठ रही है, दोनों हवाएं ऊपर जा रही, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, और ऊपर उठने के बाद ये वापस जब रिटर्निंग में नीचे गिरती है दोनों गोलार्ध की ओर में, तो दक्षिणी गोलार्ध वाली हवा इक्वेटर के पहले गिर जा रही है अरबियन सी में, और वहां गिरने के बाद लो प्रेशर चुकी है वो हमारे भारत के मिडिल भाग में है, तो वहां से मॉइस्चर लेकर के इस ओर में मूवमेंट कर ले रही है, और ये बारिश का कारण जो लेटेस्ट थ्योरी आया है। लेकिन बेसिक थ्योरी आप जरूर समझते होंगे कि थर्मल कंडक्शन जिसको बोलते हैं, कि देर से शुरू होना और कम होना। जब विंटर सीजन की शुरुआत होती है भारत में, उस समय सन की पोजीशन दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास हो जाता है, तो सारी विंड फिर से वापस आना शुरू होती है इक्वेटर के पास। और जैसे जैसे विंड इक्वेटर के पास में वापस आने लगती है तो वो नॉर्थ ईस्ट की शक्ल में होता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड है, ये आते समय आप इसका डायरेक्शन अगर मैप में देख पा रहे होंगे, तो नॉर्थ ईस्ट विंड जो है ये आते समय क्या होता है कि मॉइस्चर ले लेती है बे ऑफ बंगाल से, और बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर ले लेती है, ये मॉइस्चर धीरे धीरे हिट करता है। कहाँ पर हिट करता है जाकर के? ये हिट करेगा तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। यही कारण है कि विंटर रेन कोरोमंडल तट पर होता है, और इसी काल में साइक्लोन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं साइक्लोन? क्योंकि जब विंड लौट रही है उस समय तो भारत में ठंडा का मौसम है, फील करते होंगे इसको, तो यहाँ से हवाएं समुद्र की ओर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि समुद्र में पानी उस समय में गर्म है और देरी से ठंडा हो रहा है, 6 महीना देरी से हो रहा है। तो वहां पर जब विंड की पूरी डायरेक्शन हो जाती है, तो लो प्रेशर समुद्र में है, तो समुद्र में एक सर्कल शुरू होता है। साइक्लोन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वह है कोरियोलिस इफेक्ट, जिसमें बताया गया है कि इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे आप, उतना डेविएशन ऑफ द विंड होगा, उतना डेविएशन ऑफ द प्रोडक्ट, हर चीज का डेविएट कर जाएगा। तो जो डेविएशन होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और डेविएशन के चलते ही रेनफॉल ज्यादा वहां पर हो सकता है। डेविएशन होगा तो साइक्लोन बन जाएगा। जितना ज्यादा डेविएशन होगा, मतलब अगर 0 डिग्री के पास है तो डेविएशन 0 है, वहां चक्रवात नहीं बनेंगे। अगर 23 डिग्री पे है, 24 डिग्री है, 25 डिग्री, 26 डिग्री है, तो वहां पर चक्रवात बनने का ज्यादा चांस होगा। जैसे जैसे आप नॉर्थ और साउथ की ओर जाते जाएंगे, उतना ज्यादा डेविएशन ऑफ द विंड होते जाएगा। 2 ओमेगा sin थीटा एक फॉर्मूला है, इसमें ओमेगा वेलोसिटी के लिए है और साइन थीटा जो है वो लैटिट्यूड के लिए है। तो अगर 2 × आप कुछ भी कर दे कि 200 किलोमीटर प्रति आवर की हवा है एंड मल्टीप्लाइड बाई 0 डिग्री, तो फिर तो 0 हो गया, इसलिए इक्वेटर पर कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। इसी लॉजिक के तहत में सेटेलाइट सेंटर जो होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास बनाए जाते हैं।
लोअर लैटिट्यूड पर स्थापित होते हैं और इसी रीजन पर होता है कि जैसे आप जब सेना वाले को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जिस शहर में बम फेंकना चाहते हैं तो आप उत्तरी गोलार्ध में, तो हर वस्तु राइट टर्न लेगा, तो ये ध्यान हमेशा रखना है। तो आप ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा राइट लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट हिट करेंगे तो राइट में जाकर के लग जाएगा। लैटिट्यूड एंड वेलोसिटी के आधार पर ये निकाला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि जब मानसून भारत में आ जाता है तो उसकी क्रिया विधि शुरू हो जाती है। बहुत आसान है, भारत का पेनिनसुलर शेप है, दो भाग में मानसून बढ़ जाती है, तो एक भाग जो होता है वो अरेबियन सी से जाता है और एक बे ऑफ बंगाल से जा रहा है। अरेबियन सी वाला जो है वो देखिए सीधा वेस्टर्न घाट पर जाकर के हिट कर रहा है, तो जहां जहां पर वेस्टर्न घाट का पूरा लाइन है गुजरात से लेकर के नीचे पूरे केरल तमिलनाडु के टिप तक के नीचे, तो वेस्टर्न घाट माउंटेन के किनारे बहुत बारिश हो रहा है और यही हवाएं जब अंदर की ओर जाती हैं तो इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी समाप्त हो गई है, कभी बारिश नहीं होगा, तो विंडवार्ड साइड में बारिश होगा, माउंटेन की साइड में होगा, लेकिन माउंटेन के अपोजिट साइड नहीं होगा, उसको लीवार्ड साइड बोलते हैं, रेन शैडो एरिया बोलते हैं। यही कारण है कि बॉम्बे में बारिश ज्यादा हो रहा है, पुणे में कम, मैंगलोर में ज्यादा होता है, बेंगलोर में कम, तो जितने भी अंदरूनी भाग में वहां पर बारिश कम होगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए दक्षिण भारत का जो इंटीरियर पोर्शन है वहां पर सेमी अरिड जोन विकसित हो गया है, मतलब अर्ध शुष्क का क्षेत्र विकसित हुआ है उस जोन में हुआ है। अब आपको हम ये बताते हैं कि जब मानसून राजस्थान की ओर जा रहा है तो वहां पर अरावली माउंटेन के पैरेलल है यही मानसून विंड, तो इसलिए वहां पर बारिश नहीं होगा राजस्थान में। राजस्थान में बारिश नहीं होने का प्रमुख कारण होता है कि द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द प्रेजेंट ह्यूमिडिटी दैट इज वेरी लार्ज, टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते, और जो पाकिस्तान साइड से डस्ट लैडन विंड है वो आ जाती है गर्म हवाएं, तो वो बहुत बड़ा गैप तैयार कर देती है वहां। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, हवा की एक कैपेसिटी होती है बारिश करवाने के लिए ह्यूमिडिटी, तो उसके उसकी कैपेसिटी जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 ग्राम की कैपेसिटी है और वास्तव में हवा के पास में 500 ग्राम ही मॉइस्चर है तो बारिश नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% हुआ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की में अगर 100% होगा तभी बारिश होती है, तभी रेनफॉल शुरू होती है। तो जो हवाएं अरब सागर की ओर से आ रही है तो या तो वो आकर के गर्म हवा से मिक्स हो गई तो उसको ठंडा करना शुरू कर देगी तो बारिश शुरू हो जाएगा, अथवा देर सुबह के समय में रात के समय में अगर अर्थ का टेम्परेचर गिर जाता है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उसके पास मॉइस्चर है, टेम्परेचर घट गया तो कैपेसिटी घट गया और जितना है दोनों फुलफिल हुआ, बारिश होना शुरू हो गया। नेक्स्ट होता है कि आप हवा हाइट पर जाती है तो 165 मीटर हाइट पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है, तो हवा जितनी हाइट पर जाने लगेगी उसका टेम्परेचर घटने लगेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर दोनों का फिर से 100% हो जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी। कभी कभी आप देखते होंगे बारिश में पत्थर गिरता है, बर्फ वाला हेलस्टोन जिसको बोलते हैं, तो इसका मुख्य कारण होता है कि जब तेज हवाएं आती हैं, डस्ट लैडन विंड होती है, तो हवाओं को उस सर्कुलेट करते करते वो वाटर वेपर को लेकर ऊपर चली जाती है हाइट तक, वहां जाके वो बर्फ बन गया और जब उसको बार बार प्रोसेस चलता है तो साइज बड़ा हो जाता है और जैसे जैसे वो नीचे गिरना शुरू होता है तो फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है। पृथ्वी जो है ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो ज्यादा गर्म नहीं, हमारा जो एटमोस्फेयर है वो पृथ्वी के टेरिस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, तब क्या होगा कि फिर वो हेलस्टोन वाली वर्षा शुरू हो जाती है आंधी के समय में। कभी आप मई जून में देखते होंगे कि बहुत तेज आंधी आ रहा है और बारिश होने की संभावना लगती है, लेकिन बारिश होती नहीं है ज्यादा, थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, तो ये उस समय तो ह्यूमिडिटी नहीं है तो कहां से बारिश होगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है और ये क्लाउड से उस वक्त में भारत के क्षेत्र में जैसे मैंगो सार बोलते हैं साउथ इंडिया में, जिसके बाद ही राइपनिंग ऑफ मैंगो शुरू हो जाता है, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, असम में नॉर्वेस्टर बोला जाता है, इसी प्रकार से लू का वर्ड आपने सुना होगा, आंधी, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में आंधी शब्द आता है, तो अलग अलग राज्यों में ये नाम है। और जब अरब सागर की जो विंड है ये जब चली जाती, वो हम बता रहे थे प्री मानसून, तो जब अरब सागर की विंड जो है वो चली जाती है जब जम्मू कश्मीर की ओर समर सीजन में, तो दिल्ली की ओर, तो उसके पास देखिए मॉइस्चर नहीं है इसलिए बारिश नहीं हो पाएगा, ज्यादा दूर है दिल्ली हरियाणा पंजाब।
अब अगर आप देखें वो बंगाल वाली ब्रांच को, तो ये ब्रांच तमिलनाडु को छोड़ देती है, क्योंकि वहां से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पैरेलल हो गया कोरोमंडल कोस्ट का, बारिश नहीं हो पाएगा वहाँ किसी भी हालत में, तो ड्राई होता है कोरोमंडल कोस्ट समर सीजन में। ये जाकर के बर्मा को अराकन योमा पेगु योमा माउंटेन है, तो हिट करती है वहाँ, वहाँ बारिश शुरू होता है बहुत तेज, और उसके बाद कुछ विंड मेघालय की ओर चली जाती है जहाँ पर चेरापूंजी है और मसीह मराम है, जहाँ पे गारो खासी जयंती है, तीन हिल है, तो तीनों के बीच हवा ट्रैप हो गई, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो जाता है गारो खासी जयंती वाले क्षेत्र में। उम्मीद है कि आपको समझ में सारा कुछ आ रहा होगा, नहीं भी आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और फिर आप अपने एरिया की में आप सेमिनार भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जरूर से मैसेज करेंगे, हमारा नंबर आपको दिखा रहा होगा इसमें। अब आपको हम बता दें कि जब अरबियन सागर के बाद बे ऑफ बंगाल की जब विंड चलती है, तो ये ITCZ जहाँ जहाँ पर है वहीं पर मूवमेंट करेंगी, तो जो हवाएं बिहार की ओर जा रही हैं, यूपी की ओर जा रही हैं, तो हिमालय के चलते वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है चाइना साइड में, इसलिए हिमालय के साउथ में शिवालिक के किनारे बहुत ज्यादा बारिश होता है, हेवी रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा तेज बारिश होता है, और इसका कारण यही है कि ये जो बारिश होता है इतना तेज, इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इतना हाइट पर विंड चली जाती है कि बारिश हो जाएगा, फिर ये हवाएं भी मूवमेंट करती है दिल्ली की ओर, लेकिन मॉइस्चर खत्म हो गया, फिर से वही वाली हालत हो गई। तो ITCZ जहां जहां होगा वहां वहां पर ये विंड की फ्लो होती है और वहां लो प्रेशर बनेगा, विंड तेज होगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में काल वैसाखी बनता है और ये बंगाल की ओर क्यों जाता है, क्योंकि उस समय में इक्वेटोरियल वेस्टरलाइज है, जो एक्चुअली में वेस्टरलाइज विंड कुछ और है, हम आपको अलग से एक प्रेशर बेल्ट का चैप्टर की एक अलग से वीडियो देंगे, आज हमने सिर्फ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून पर आपको कंसंट्रेट किए और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मानसून पर किए, फेलियर ऑफ इंडियन मानसून क्यों होता है, मानसून अगर डिले कर गया तो एलनिनो आने के कारण हो सकता है, अगर स्ट्रीम माइग्रेट नहीं किया इंडिया से उसके चलते हो सकता है, ITCZ की शिफ्टिंग नहीं हुई उसके चलते हो सकता है, अगर दो मानसून विंड के बीच में गैपिंग हो गया, मतलब मानसून विंड की रेगुलरिटी होनी चाहिए फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेकर के पूरी अगस्त तक 15 जुलाई कम से कम, तो ये जब रेगुलर होगा तभी बारिश के सीजन होते हैं, तो डिलेइंग इन मानसून, प्री मानसून रेन अगर नहीं हो रहा इससे भी मानसून दे, क्योंकि प्री मानसून रेन एक माहौल बनाया जाता है जिसको ऑनसेट ऑफ मानसून बोलते हैं, कि एक माहौल तैयार हुआ है और फिर जिस दिन से पानी बरसना शुरू होता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ मानसून, मतलब मानसून ब्रेक किया उस तारीख को, तो ये एक जून से नॉर्मली शुरू हो जाता है, खास तौर पर इसमें जो डेजर्ट रीजन है भारत का, थार डेजर्ट से लेकर के पाकिस्तान का जो एरिया इस्लामाबाद वाली पूरी एरिया, तो यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बहुत बड़ा तैयार होता है बालू के चलते, और यही लो प्रेशर अट्रैक्ट करता है मानसून को, और पेनिनसुलर शिफ्ट के चलते भारत में मानसून दो भाग में बंट जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे तमिलनाडु में समर सीजन में बारिश क्यों नहीं होती है, विंटर में क्यों होता है, तो लौटते हुए मानसून है, या नॉर्थ ईस्ट मानसून आप बोलेंगे, दोनों एक ही चीज है, विड्रॉल ऑफ मानसून बोलेंगे, बात रिट्रीटिंग मानसून बोलेंगे, सब कुछ एक है। अब समर सीजन में नहीं होता, विंटर में होता है, क्योंकि उस समय में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, बॉम्बे में बारिश ज्यादा होता है, पूना में कम क्यों, दिल्ली में कम बारिश क्यों होता है, राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होता है, चेरापूंजी में ज्यादा बारिश क्यों होता है, उत्तर भारत के गंगा के मैदान में ज्यादा बारिश क्यों होता है, ऐसे ढेर सारे प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में लगातार आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर ये चैप्टर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसके लिए फिर दूसरी वीडियो भी आपको भेजेंगे बहुत जल्द। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है उसमें जेट स्ट्रीम और एलनिनो साउदर्न ऑसिलेशन जो था ये जरूर से लिखिएगा, क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखिएगा तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पर मैप बनाना बहुत जरूरी होता है, आप अगर मैप बना करके आंसर को दिखा रहे हैं तो यू विल गेट मोर मार्क्स।